ए, तेरे सीनियर गणेश का दिमाग दिनों दिन सातवें आसमान पे चढ़ रहा है। वो कोई देश सुधारने वाला महात्मा गांधी है। ऐसे इस शहर में कई आए और गए, लेकिन यहाँ टिके रहने वाले हमारे भाई को वो नहीं जानता। तुम लोगों को यहाँ काम पे किस लिए रखा गया ये याद नहीं है? रिश्वत खाने के लिए और घर पे चुपचाप जाके सोने के लिए। देख क्या रहा है, हमारे लड़कों को बाहर निकाल। FIR बन चुका है, अब हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। एक काम कर, तू इसे बाहर निकाल और उसकी जगह किसी और को अंदर बैठा दे। कंप्लेंट में उसका नाम बदल दे और उसको जल्दी से बाहर लेके आ, चल। अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा, जाके बाहर लेके आ रे खजूर। खड़ा हो जा। बैठ जाओ, थोड़ा और शान से। मेरी गैर मौजूदगी में इस तरह तुम बातें कर रहे हो, इसका मतलब जो मेरी कुर्सी का एटीट्यूड है उसका दुगना एटीट्यूड तुम लोगों में होना चाहिए, तभी इस जगह का वैल्यू बनेगा। भूलो मत ये वर्दी क्यों दी है। जब जनता हमारे पास अपनी तकलीफ लेकर आती है तब हमें खड़ा होना चाहिए, ना कि इन जैसे गुंडों के सामने जो कि हमारे समाज की गंदगी है, इन्हें तो बस मिटा देना चाहिए। ए गणेश, ए चिल्ला मत, यहाँ सभी लोग मेरा नाम जानते हैं। हमारे बॉस प्रताप काली को तू जानता नहीं है? वो जो भी हो मुझे उससे क्या, वो क्या चीज है, उसका बाप भी आया ना तो भी उसको नहीं छोड़ूंगा। डायलॉग अच्छे से सुन ले और उसको सुना, जाकर बोल दे उसे मैंने उसे यहाँ बुलाया है। चल अब निकल यहाँ से। तुम बहुत गलत कर रहे हो। अभी तक तो कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन एक पल भी तू यहाँ पर रुका तो मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो जाएगी। ए इंस्पेक्टर, इसे मेरे स्टाइल में बाहर का रास्ता दिखाओ। ए, चल निकल यहाँ से, देख लूंगा तुम लोग को। चल। अरे बापरे बापरे बापरे, क्या कर रहे हो बाली, पंक्चर निकाल के गाड़ी चलाने के बजाय धक्का मार के ला रहे हो। इसे कौन चलाएगा सर, लालच में आकर इसे स्टार्ट करके बैठ कर आता, गिर पड़ जाता, हाथ पर टूट जाती तो जिंदगी स्क्रैप हो जाती। सर सर मेरी अभी भी शादी हुई है, धक्का मार के अपने परिवार को चलाना है। ठीक है चलो हट जाओ। हाँ, बैठिए ना सर, आराम करो। आराम करना मतलब एडजस्ट करना सर। सर मैं ऊपर से एक्सपोर्ट हुआ हूँ सर, जब से धरती पे आया हूँ तब से हर चीज एडजस्ट ही करते आया हूँ सर। ठीक है मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। सर छोटे बच्चे जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे इसको मत ले जाइए सर। ऐसा क्यों सर, पंचर हुआ तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। क्या बोला तू, मेरे साथ लगन मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, तेरे पास निकल आया है। आज का तू बहुत होने लगा है, ज्यादा होशियारी करी तो तेरा रिटर्न टिकट काट दूंगा, समझा? ए, पब्लिक प्लेस में मारा मारी करना गुनाह है, पता नहीं तुझे? अपुन को जो सही लगेगा करेगा, अपुन से पूछने वाला तू कौन? पढ़ना लिखना आता है क्या? ठीक से देख। गणेश, अरे वाह, मतलब तू भगवान है? मैं भगवान नहीं हूँ, उसका अवतार हूँ, और ये मैं नहीं कहता, यहाँ की जनता कहती है। बप्पा मौर्या, तुम उत्तर से हो या दक्षिण से हो? दक्षिण का भाई। उत्तर के इलाके के लफड़े में नहीं पड़ने का, वरना काट दूंगा। बाकी पब्लिक के माफिक दूर खड़े होकर तमाशा देखने का, काले के आदमियों से डरने का। अपन उत्तर का है और तू दक्षिण का, तेरी सियान पट्टी अपने लिमिट तक ही रखने का। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम आग्नेय ईशान्य वायव्य नैऋत्य इन आठों दिशाओं पर सिर्फ गणेश का ही कानून चलता है। इस गणेश का दरबार इस शहर के हर गली गली में लगता है। मेरी लिमिट बताने वाला आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ तो तू क्या चीज है? अगर तू मेरे लिमिट्स में होता तो इसी वक्त तेरी खोपड़ी खोल देता। ये दूसरे के लिमिट है इसलिए हाथ में गोली मारी है। ए, हॉस्पिटल ले जाओ इसे फौरन, वरना खाने के वांदे हो जाएंगे। सर क्या है रे, सुना है तूने प्रताप के लड़कों को अरेस्ट किया? उन्होंने गलती की थी सर। इतनी बड़ी क्या गलती कर दी उन सब ने, एक बंदे को थोड़ा सा पीट दिया। आपकी नजर में छोटी बात है सर, लेकिन मेरी नजर में वो गुनाह है। ठीक है जो हुआ सो हुआ, उन सबको छोड़ दो। यही आप रिटर्न में दे दीजिए सर। उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर आई एम सॉरी सर, मैं उन्हें रिहा नहीं करूंगा। तुम्हारा सीनियर यहाँ का कमिश्नर तुमसे कह रहा है रिहा कर दो उन्हें? यही हमारे डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा श्राप है सर। PC सब इंस्पेक्टर का गुलाम है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का गुलाम है, इंस्पेक्टर ACP का गुलाम है, ACP DCP का गुलाम है। पूरा डिपार्टमेंट एक दूसरे की गुलामी करते हुए जी रहा है। ये गुलामी करना छोड़कर कांस्टेबल से लेकर DCP तक ईमानदारी से अपना फर्ज निभाए तो इस देश को राम राज्य होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ही नहीं, DCP आकर भी कहेंगे तब भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, प्रताप का ऑर्डर है। उससे टकराओगे तो कुर्सी तो दूर, गांव में भी नहीं टिक पाओगे। मैं कुर्सी के लालच में नहीं जी रहा हूँ, खाकी के विश्वास पर जी रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी यूनिफॉर्म और सूटकेस है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां चाहे भेज दो, मैं जी लूंगा। पूरा देश मेरा घर है। एक वक्त का खाना एक घर में खाऊंगा तो भी जी लूंगा,
लेकिन मेरे घर खत्म नहीं होंगे। प्रताप से टकराना तेरी सबसे बड़ी गलती होगी। प्रताप के गुंडे, प्रताप के चमचे, प्रताप के गुलाम, आखिर है क्या वो चीज? पुलिस स्टेशन में किसी को पकड़ के लाओ तो कहते हैं प्रताप के आदमी है। किसी भी गली में लफड़ा हो जाए तो सब प्रताप का नाम लेते हैं। आप भी उसी के नाम की बीन बजा रहे हो, लगता है आप भी उसी के गुलाम बन चुके हो। लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं बनूंगा, फेस करने को तैयार हूं उसे, जब चाहे बुलाइए। भाई, आप यहाँ आकर हमेशा इस तरह गिद्धों को मांस डालते हो, ऐसी क्या वजह है? लक्ष्मी पुराण का पालन भक्ति से कर रहा हूँ, इससे संकट निवारण होता है और दुश्मन हमसे कभी जीत नहीं पाता। गिद्ध लक्ष्मी है, ये हमारे कुल देवता हैं। ये हमेशा मेरे सामने साइलेंट रहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मैं कितना वायलेंट हूँ। भाई, वो गणेश हमारे लड़कों को नहीं छोड़ रहा है। गणेश कौन है? वो शहर का नया एसीपी है भाई। आपका नाम बताया तो उसने आपकी बेइज्जती की और कहा कि थाने में आकर मिलने के लिए बोलो। जवान खून गर्म खून होता है, वो ज्यादा उबलना नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, फूलों का एक हार और फल की टोकरी ले आओ, रिलेशन बनाते हैं। मुझसे नहीं हो रहा। कहना कि मैं अपने ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, दूसरों पर जुल्म करने का शौक है। बॉडी जानदार है, ओरिजिनल लगता है। दूर से देखने वालों को थोड़ा डाउट होता है, पास आकर देखने पर पता चलता है कि 101% ओरिजिनल है। डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। फिल्में ज्यादा देखता हूँ। सुना है कि तुम हमारे लड़कों को छोड़ नहीं रहे हो और यह भी धमकी दी कि मेरे सामने प्रताप काले को हाजिर करो। लो, मैं हाजिर हो गया। मुझसे मिलने के लिए हर कोई मेरे घर पर आता है। तुम पहले इंसान हो जिससे मिलने मैं आया हूँ। यू आर वेरी लक्की। ए, हार देना जरा। कहते हैं अगर किसी से पहली मुलाकात हो, इधर देखो, उसे हार पहनाओ और फल की टोकरी भेंट करो, फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो जाती है। वर्कआउट के बाद फ्रूट जूस पीना बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। सही टाइम पर फ्रूट्स ले आयो। जरा ये ले लो, इनका जूस बनाओ, सबको पिलाओ। गणेश, रिबन काटने वालों को तो तुमने देखा होगा, अब गर्दन काटने वाले को देख लो। मैं इसी काम के लिए मशहूर हूं। तुम्हें खुद की तारीफ करने की आदत होगी, मुझे जरूरत तक नहीं पड़ती। इस शहर के हर क्रिमिनल के चेहरे पर तुम्हें मेरा विजिटिंग कार्ड दिखेगा। यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक मेरे बारे में पूछोगे तो सारे डिटेल्स बता देंगे। तुम जिस सवाल को लेकर आए थे, उम्मीद है उसका जवाब मिल गया। तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद आया, दिल खुश हो गया। लव यू प्यारे। कमिश्नर, इस गणेश को तुम्हारे डिपार्टमेंट में आए कितने दिन हुए? यही कोई 2 महीने सर। एनी मार्क्स, रिमार्क्स? रिमार्क्स तो कुछ भी नहीं, मार्क्स बहुत सारे हैं। वक्त निकल जाने के बाद भी वो एसीपी बना। ठेले वालों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक के लिए वो रोल मॉडल है। पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी इज्जत है उससे ज्यादा जनता में है। मैसूर का चैलेंजिंग स्टार, लिटिल रेबल स्टार, ऐसे नाम दिए हैं लोगों ने उसे। फेसबुक, व्हाट्सएप से लेकर गूगल तक सब जगह वही छाया है। वैसे बात क्या है? इस इलाके को मैंने संभाला है ताकत के जोर पर। आज तक किसी की नजरें मेरे सामने नहीं उठी और जिसकी उठी उसकी दुनिया घुमा दी। पहली बार कोई अपनी टक्कर का मिला है। उस लड़के में जो एटीट्यूड है, इट्स डेंजरस। प्रताप काले के सामने आज तक किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली और वो मेरे मुंह पर मुझे धमकी दे रहा है। उसके एटीट्यूड के आगे अगर मैं झुक गया तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, लोगों में मेरी दहशत खत्म हो जाएगी।
उसकी कमजोरी क्या है ये तुम्हें साइलेंटली पता लगाना होगा कमिश्नर।